मेडिकल स्कूल थाना मंडी में जो हमारा वैक्सीनेशन 15 टू 18 ईयर्स ऑफ एज जो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये स्टेप है, उसके रिगार्ड में आज मेरी यहाँ विजिट थी और यहाँ आके मुझे काफ़ी खुशी मिली कि प्रिंसिपल साहब और जो स्टाफ है यहाँ का, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आज प्रेजेंट थे जिन्होंने आज यहाँ पे वैक्सीनेशन कराई और जो स्टूडेंट्स का इसमें रिस्पांस था वो काफ़ी पॉजिटिव था। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे किसी तरह का लगा नहीं कि उनको किसी तरह का डर है या कुछ है, काफ़ी पॉजिटिव थे। पेरेंट्स की भी सपोर्ट है, स्टाफ का भी सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था यहाँ। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो बाकी स्कूल्स के हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, उनसे ये मैसेज है कि जल्द अज जल्द जो ये हमारा टारगेट है 100% वैक्सीनेशन का 15 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ये अचीव किया जाए। क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि ये जो कोविड है ये दोबारा फैल रहा है और इससे बचने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक तो जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है और दूसरा जो वैक्सीनेशन है वो करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजमा खान है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन करवानी चाहिए, मैंने भी आज करवाई है, ये हमारे फायदे के लिए। और मैं अपने बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब वैक्सीन करवाएं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ना इससे कोई प्रॉब्लम होती ना कुछ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आओ और हिस्सा लो इसमें और आप वैक्सीन करो अच्छे से, अपने करवाओ। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब सिडनी में जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।